क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। कहाँ से एलएलबी किया आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये पीआईएल डाल दिया आपने है? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर। प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन लिख रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका फिल्मी काउंटर के आज के वीडियो में। आज मैं आपको बॉलीवुड की 5 जबरदस्त कॉमेडी फिल्म के बारे में बताऊंगा। सभी मूवीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है 2020 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म लूट केस। एक आम आदमी का काम भी आम होता है और नाम भी आम होता है। मेरा नाम आम नहीं है, मेरा नाम नंदन है। मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना। स्टारिंग रसिका दुग्गल, कुणाल खेमू, विजय राज, रणवीर शोरी एंड गजराज राव। लोग का ना खाली ड्यूटी बदलता है, किस्मत कभी नहीं बदलती। इसे IMDb से 7.6 की रेटिंग मिली है, साथ ही 76% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। फिल्म की कहानी एक आम आदमी नंदन कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पैसे से भरा बैग मिलता है और उसकी जिंदगी में हर दिन एक नया ट्विस्ट आता है। इस सूटकेस के पीछे 3-4 लोग पड़े हुए हैं। वो सूटकेस ढूंढ के लाके दे। सूटकेस, वो सूटकेस मुझे हर हालत में चाहिए। इस कहानी में आपको कॉमेडी की डोज भरपूर मात्रा में मिलेगी। अब अंत में पैसों से भरा सूटकेस कौन लूटेगा, यही जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये ऐसा वाला मशीन किधर मिलता है? क्यों, घर पे 2 गोनी भर के पैसा पड़ा है, गिनने नहीं हो रहा। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है 2019 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे। और तो बिना बात के इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। स्टारिंग रकुल प्रीत सिंह, अजय देवगन, तबू, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ। Why didn't you tell me that your kids are my age? I got separated 18 years ago. Ishant was 3, Ishika was 7. 7 plus 18, 25. इसे IMDb से 6.6 की रेटिंग मिली है, साथ ही 85% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। मैं अपने घर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बस पूछ लिया कर ना। पैर नहीं छुएगा? बोलने के बाद क्या फायदा। फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले 50 साल के बिजनेसमैन आशीष की है। आशीष अपनी इंडिया में रहने वाली पत्नी मंजू और बच्चों से कई साल पहले अलग हो चुका है। एक दिन उसकी लाइफ में उसकी बेटी की उम्र की खूबसूरत लड़की आयशा की एंट्री होती है। अब आयशा की एंट्री के बाद आशीष की लाइफ में क्या चेंज आएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। पता नहीं लंदन में क्या होता है, यहाँ तो अपने से 20 साल बड़े बुजुर्गों को अंकल बोलते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है 2013 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी। जो इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है, फेमस, रिस्पेक्टेड, यू नो मीडिया जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट दौड़ती रहे, जब कोर्ट रूम में घुसे ना तो हल्ला मत जाना चाहिए। बड़े बड़े कोर्ट रूम, बड़े बड़े जजेस, ये चाहिए मुझे यार। सर जी आपका गोला। थैंक यू। स्टारिंग सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी, बोमन ईरानी एंड अमृता राव। अरे डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, घंटा लंबे होते हैं। इससे IMDb से 7.6 की रेटिंग मिली है, साथ ही 67% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। फिल्म भारतीय न्याय प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और इंसाफ की आस लगाए कॉमन मैन के कभी खत्म न होने वाले इंतजार की कहानी है। जगदीश त्यागी उर्फ जॉली एक संघर्षरत वकील है जो अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाना चाहता है। जी बच्चा है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सबूत है मैडम। जॉली मेरठ से दिल्ली आया है और एक ऐसे केस का हिस्सा बन जाता है जिससे भारत का एक प्रसिद्ध और महंगा वकील तेजिंदर राजपाल लड़ रहा है। राजपाल का मुवक्किल राहुल दीवान एक हिट एंड रन केस में फंसा है। सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यार, तो इकलौता नहीं है। इसमें उसकी गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए कुछ लोगों को कुचल दिया। अब जॉली राहुल दीवान को सजा दिलाने के लिए क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। केस ही नहीं हुजूर, the only case is the victimization of my innocent client, राहुल दीवान। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है 2013 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म हंगामा। अजी सुनिए। वाह वाह का आवाज है, वाह। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारे नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक किसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, है? और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक है ठीक है। स्टारिंग परेश रावल, अक्षय खन्ना, राजपाल यादव, रिमी सेन एंड सोमा आनंद।
इसे IMDb से 7.6 की रेटिंग मिली है। साथ ही 84% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी गांव में रहने वाले करोड़पति बिजनेसमैन राधे श्याम तिवारी की है, जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ शहर जाने का फैसला करता है। अब ये दोनों शहर के कल्चर को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, यही जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है 2010 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म खट्टा मीठा। जो भी लोग मुझे देख के मुंह बनाते थे, वो समझ ले कि सचिन टिचकुले की शुरुआत हो गई। स्टारिंग अक्षय कुमार, त्रिशा कृष्णन, राजपाल यादव, जॉनी लीवर एंड मकरंद देशपांडे। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। इसे IMDb से 5.8 की रेटिंग मिली है। साथ ही 87% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। फिल्म की कहानी सचिन टिचकुले नाम के एक ठेकेदार की है। हर किसी की तरह टिचकुले का सपना भी बड़ा आदमी बनना है, मगर वो जिस भी काम के लिए जाता है वहाँ उसे घूस देनी पड़ती है और टिचकुले के पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। फिल्म में गहना गढ़पुले सचिन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और बाद में शहर की म्युनिसिपल कमिश्नर बन जाती है। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्कर को क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? कहना ना सिर्फ अपने पुराने प्रेमी टिचकुले से नफरत करती है, बल्कि उसे घूस लेने वालों से भी नफरत है। इसी मजाक के जरिए फिल्म में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर चोट करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। We get on the beat.